नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। रीवा सर्किट हाउस में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले गैंगरेप के आरोपी महंत सीताराम दास के चिट्ठे परत दर परत खुलने लगे हैं। बताया जाता है कि यूपी के गोंडा में मंदिर के पुजारी को गोली इसी ने मारी थी। इतना ही नहीं, आरोपी के मोबाइल में कई महिलाओं के नंबर मिले हैं जिनके आधार पर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी पुलिस की रिमांड में है। शहर के वीवीआईपी सर्किट हाउस में सतना की किशोरी के साथ गैंगरेप करने वाला आरोपी महंत आपराधिक प्रवृत्ति का है। यूपी के गोंडा में उसके खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज है। आरोपी ने मंदिर के पुजारी को गोली मार दी थी, जिस पर मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, वहीं कई महीनों तक जेल में बंद भी था। छूटने के बाद गुड़ स्थित अपने घर में रह रहा था, जहां उसकी आपराधिक गतिविधियों से परेशान होकर वेदांती महाराज के पास उसे भेजा गया था, लेकिन उसकी आदतों में बदलाव नहीं हुआ। उल्टा उसे आर्थिक मदद मिली और रीवा के अपराधियों से तार जुड़ गए। इसी दौरान रीवा के कई आपराधिक किस्म के युवकों के साथ उसका संपर्क हुआ, जिनकी वो आर्थिक मदद करता था, और संगठन के नाम पर युवक उसके अधिकारियों और नेताओं से मिलवाकर संरक्षण दे रहे थे। चर्चा तो ये भी है कि कोरोना काल में गैंग के जिन युवकों के द्वारा कंबल भोजन का पैकेट वितरण किया जा रहा था, वो सिर्फ दिखावा था और महंत के पैसों से ही समाज सेवा की जा रही थी, जिसके बदले उसने राजनिवास जैसी सुविधाओं के लिए उत्साहित किया जा रहा था। चर्चा तो ये भी है कि इसके सहयोगियों को पूर्व से ही इसकी पूरे आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी थी और उन्हीं के आधार पर उसका सहयोग करते हुए पैसे ऐंठ रहे थे। अगर पुलिस सहयोगियों से कड़ाई से पूछताछ करेगी तो निश्चित तौर पर बड़ा खुलासा होने की संभावना है। हालांकि रीवा पुलिस ने संत के चोलों को अब रडार में लेना शुरू कर दिया है। रीवा में दर्जन भर उसके चेले ऐसे थे जो जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के पास लेकर जाते थे, संत वेदांती महाराज के नाम का उपयोग कर फोटो खिंचवाकर वायरल करते थे। इतना ही नहीं, मंत्री विधायकों के साथ फोटो खिंचवाने का मुख्य उद्देश्य महंत के अपनी धौंस और जरूरतमंद लोगों के काम कराने के बदले में शारीरिक और मानसिक के साथ ही आर्थिक शोषण करते थे। हालांकि चर्चा ये भी है कि रीवा पुलिस विनोद पांडे के नाम से कमरा बुक करवाने वाले और उनके सहयोगियों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। चर्चा है कि एक बड़े धर्म के ठेकेदार भी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं अगर पुलिस महंत से कड़ाई से पूछताछ करेगी तो कई काले चेहरे उजागर हो सकते हैं।